नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत LLB में। कुछ व्यूज के क्वेश्चंस आए हुए थे चेक रिपब्लिक कंट्री के रिगार्डिंग, जिसमें पूछा गया था कि सर चेक रिपब्लिक के वर्क परमिट के बारे में बताइए, चेक रिपब्लिक में काम कैसा है, सैलरी क्या रहती है, कौन से वीजा पर चेक रिपब्लिक में आना चाहिए। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे चेक रिपब्लिक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करें चेक रिपब्लिक की, तो ये एक शेनगन कंट्री है। शेनगन जोन की जो 26 कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट में चेक रिपब्लिक का नाम भी शामिल है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी की बात करें तो चेक क्रोना है। इंडियन करेंसी INR में इसकी वैल्यू की बात करें तो 3.4 INR के आसपास इसकी करंट वैल्यू चल रही है। वैसे यहां पर बहुत सी इंग्लिश कंपनीज है, यूरोपियन कंपनीज है, तो काफी कंपनीज जो है वो यूरो में भी डील करती हैं। यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो 11 मिलियन के आसपास जो 2020 की जनसंख्या है वो रिकॉर्ड की गई थी। यहाँ की कैपिटल, तो कैपिटल यहाँ की प्राग है और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की जो है वो चेक है, ठीक है ना। बट यहाँ कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज भी काफी यूज होती है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप वर्क परमिट पर चेक रिपब्लिक में आते हैं तो 3 मंथ्स के बिटवीन, 3 महीने के अंदर आपको TRC कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड यहाँ के मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। बट अगर परमानेंट सेटल होने का सोच रहे हैं आप या PR का सोच रहे हैं, तो ये परमानेंट सेटल होने वाला जो सिस्टम है वो चेक रिपब्लिक में बहुत ही डिफिकल्ट है। यही एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है कि बहुत से लोग जो है वो चेक रिपब्लिक में आने के बाद पुर्तगाल जैसी कंट्रीज में मूव कर जाते हैं। यहाँ की बॉर्डर कंट्रीज की बात करें तो ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड और स्लोवाकिया जैसी कंट्रीज हैं वो इसके जो है बॉर्डर में लगती हैं। अगर बात करें चेक रिपब्लिक में हेल्पर सैलरी की, अनस्किल्ड वर्कर्स की सैलरी की, तो बेसिक सैलरी जो मिनिमम है वो 650 यूरो, 650 यूरो से जो है इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। जो मेहनत करने वाला पर्सन है वो, ठीक है ना, ओवर टाइम वगैरह लगा के, ओवर डे वगैरह लगा के 1000 से 1500 यूरो तक भी जो है वो मंथली अर्न कर सकता है। और जो स्किल्ड कैटेगरी में है वो तो 2000 से लेके 3000 यूरो तक भी अर्न कर रहे हैं। लेकिन हेल्पर कैटेगरी के लिए बेसिक जो है वो 650 यूरो है और बाकी 1000 से 1500 यूरो अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बंदा तो अर्न कर सकता है। अगर आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना जी, तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है चेक रिपब्लिक। बट अप्लाई आपको सोच समझ के करना है, ऐसे किसी भी फर्जी एजेंट की बातों में आकर अपना पैसा और टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।